हेलो एवरीवन, आई एम राजेश प्रसाद एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं। और स्लो मोशन वीडियो बनाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आप जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसे हाई फ्रेम पर सेकेंड पर रिकॉर्ड कीजिएगा। मान लो अगर आपको स्लो मोशन वीडियो बनानी है तो मिनिमम आपको 60 फ्रेम पर सेकेंड पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको स्मूथ स्लो मोशन वीडियो बन पाएगी। आप कोशिश कीजिए, अगर आपके कैमरे में अगर 120 फ्रेम पर सेकंड तक अगर पॉसिबल है तो हाई फ्रेम पे जितना आप शूट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको स्मूथ वीडियो मिलेगी। तो आपको इस बात का पहले नंबर पर ध्यान रखना है कि हाई फ्रेम पर सेकंड पे आपको वीडियो शूट करनी है। मिनिमम 60 पे शूट कीजिए या फिर 120 पे पॉसिबल है। अगर आपके कैमरे में अगर सेटिंग है तो आप 120 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे कि आपको किस तरीके से स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं, वो भी काफ़ी इजी एंड फास्ट तरीके से। तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। ये है जो कि है विक्टोरिया मेमोरियल की, और एक वीडियो मेरे पास और है ये, जो कि मैंने दगरी मेले में खींची थी। तो चलिए इसको बनाते हैं स्लो मोशन, एक बार दोबारा प्ले करके दिखा दो ये, और एक वीडियो है ये। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस चीज़ के लिए मैं जो यूज़ करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर वो है प्रीमियम प्रो 2020। तो सबसे पहले वीडियो पे जाएंगे, इसके ऊपर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्पीड ड्यूरेशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड जो है अभी 100% है, तो इसको हम करने वाले हैं 25%। एक चीज़ और है, ये जो वीडियो है मैंने 60 फ्रेम पर सेकंड पे शूट करी है और पिक्चर स्टाइल था वो है स्टैंडर्ड। और इसके अंदर एक नीचे लिखा है रिवर्स स्पीड, आप इसको रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो उल्टी चलने लगेगी, तो हम उल्टी नहीं चलाएंगे और इस वाले सेटिंग को वैसे छोड़ देना है। यहाँ पे एक नीचे लिखा हुआ है टाइम इंटरपोलेशन, इस बात का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ फ्री सैम्पलिंग, फ्री सैम्पलिंग को आपको क्लिक करना है, यहाँ पे इसको लेकर आना है ऑप्टिकल फ्लो पे, क्योंकि अगर आप ऑप्टिकल फ्लो पे लेकर आएंगे तो आपकी वीडियो जो होगी काफ़ी स्मूथ होने वाली है। एक चीज़ है, स्मूथ होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो पे गए, स्पीड ड्यूरेशन पे गए, यहाँ पे लिखा हमने 25%, और यहाँ पे नीचे ड्यूरेशन दिखा रहा है कि 21 सेकंड की वीडियो हो जाएगी। उसके नीचे ये जो टाइम इंटरपोलेशन है यहाँ पे है लिखा हुआ फ्री सैम्पलिंग, फ्री सैम्पलिंग की जगह हम करेंगे ऑप्टिकल फ्लो। ऑप्टिकल फ्लो करने से होता है क्या है कि आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो ऑप्टिकल फ्लो पे क्लिक करेंगे और हम क्लिक करेंगे ओके, दैट्स इट, काफ़ी इजी है। और ये जो आपकी वीडियो है वो स्लो मोशन बन चुकी है, इसको मैं एक बार ज़रा प्ले करके दिखाता हूँ। ये आपने देखा कि जो वीडियो है स्लो मोशन बन चुकी है। अब हम ये नेक्स्ट वाली वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन करेंगे, तो काफ़ी इजी स्टेप है। ऑप्शन में गए, स्पीड एंड ड्यूरेशन, यहाँ पे लिखा हमने 25%, ये वीडियो बन जाएगी 10 सेकंड की। और यहाँ पे हम गए टाइम इंटरपोलेशन के अंदर, यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर दिया ऑप्टिकल फ्लो में और क्लिक कर दिया ओके, ठीक है। अब इसको हम वीडियो को प्ले करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ चल रही है वीडियो। कभी भी अगर आपको स्लो मोशन वीडियो बनानी है तो उसको हाई फ्रेम पर सेकंड पर शूट कीजिएगा, तभी जाके ज़्यादा स्मूथ वीडियो बन पाएगी। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।